समाजवादी पार्टी के नवनीत प्रदेश सचिव शुभलेश यादव का आईएम में हाल बरेली में आयोजित स्वागत समारोह कार्यक्रम में स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गांधी उद्यान संगठन एवं उत्तर प्रदेश वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षक महासभा की ओर से किया गया। वही कार्यक्रम के अंदर एक बार फिर सपा की गुटबाजी खुलकर सामने आई, क्योंकि सपा प्रदेश सचिव शुभलेश यादव के स्वागत समारोह कार्यक्रम में सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप एवं महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी का स्वागत समारोह से दूरी बनाना हाल में चर्चा का विषय बना हुआ। कार्यक्रम उपस्थित कुछ सपा नेता इस बात की भी चर्चा करते देखे गए कि बरेली में सपा की आपसी गुटबाजी के कारण ही कमजोर हो गई है। वहीं शुभलेश यादव का स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम जबरदस्त तरीके से सफल रहा। बड़ी संख्या में सपाई कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अपने स्वागत सम्मान समारोह में भारी संख्या में उपस्थित सपाइयों को संबोधित करते हुए नवयुग प्रदेश सचिव शुभलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हो रही है। महंगाई से जनता बेहाल है, इसका असर नवयुग को और महिलाओं पर पड़ा है, इसलिए युवा और महिलाएं महंगाई बढ़ने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सपा कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहकर अखिलेश सरकार की उपलब्धियां को बताना होगा। सम्मान समारोह में पहुंचे आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फाजिल, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव का फूल मालाएं पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया। वही कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर अनीस बेग द्वारा भी प्रदेश सचिव का स्वागत एवं संबोधन भी किया गया, परंतु कार्यक्रम में हाल के बाहर खड़े लोग लगातार जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी की कार्यक्रम से बनाई गई दूरी को लेकर चर्चा करते देखे गए। कुछ सपा कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने का कार्य अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, वह भी संगठन की गुटबाजी से दुखी नजर आए। उनका कहना था कि निकाय चुनाव की शर्मनाक हार के लिए जिला और शहर ही जिम्मेदार है। आज के स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल होने वालों में चेयरमैन सैयद आबिद अली, प्रोफेसर जाहिद खान, सत्येंद्र यादव, डॉक्टर देवेंद्र यादव, रविंद्र यादव, चंद्रसेन सागर, कदीर अहमद, डॉक्टर अनीस बेग, डॉक्टर मोहम्मद फाजिल, अशोक यादव आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट।